दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरके, और आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि 18 से 25 साल की उम्र में हमें किन बातों को ख्याल रखना चाहिए और किस तरह अपनी जिंदगी को एक अच्छे ट्रैक पे ला सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो मैं समझता हूं कि अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें। ज्यादातर दोस्तों क्या होता है कि इस उम्र पे आके ना हमें लोगों से गॉसिप करना, घूमना फिरना, मूवी देखना, इधर उधर जाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं, ना तो हमारा कोई टाइम मैनेजमेंट होता है, ना कोई जीवन का लक्ष्य होता है। तो इस समय मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस उम्र पे आते आते एक अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए, और हो सके तो अपने टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक बेटर प्लान मैनेजमेंट बनाइए। और जो जब भी हमें टाइम मिले कॉलेज या स्कूल के बाद, कभी भी एक महीने का टाइम मिलता है, कभी दो महीने का टाइम मिलता है, तो उसके बीच में कोई ना कोई कोर्स करते रहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहिए, चाहे वो कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या इलेक्ट्रिकल का कोर्स, जो भी आप जिस फील्ड से रिलेटेड हों। इसका कारण मुझे लगता है दोस्तों, अपने माता पिता और बड़ों को इग्नोर करना बंद कीजिए और वो जो भी कहते हैं उन बातों को सही से सुनिए, उसके ऊपर अमल कीजिए। इस उम्र पे आके यार दोस्तों हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि हम बाहर के लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारे माँ बाप यार क्या बोलते रहते हैं, इनको शायद रियल लाइफ की जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों असल में वो इन सब स्टेज से गुजर चुके होते हैं और जिंदगी की उन्हें असलियत का पता रहता है, इसलिए वो हर बात में आपको रोकते हैं, टोकते हैं और सच बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग दोस्त क्या करते हैं, उनको इग्नोर मारते हैं और कभी कभी तो अपनी जिद पर इतना आ जाते हैं कि खाना पीना तक छोड़ देते हैं। तो ये सब यार बहुत गलत है, ऐसा मत कीजिए, और अपनी माता पिता को इग्नोर मत कीजिए, उनकी बातों को सुनिए और अपनी जिंदगी में उतारिए। इसका जो कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, शायद ये आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, और वो कारण है प्यार का चक्कर। हाँ दोस्तों, प्यार का चक्कर। इस उम्र पे आके ज्यादातर लोग एक दूसरे की तरफ, या लड़का हो या लड़की, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट, अपने माँ बाप के सपने, सब कुछ भूल जाते हैं और एक ही बस मकसद हो जाता है प्यार को पाना। और इस बीच हम जो भी अपना गोल्स बनाते हैं उस सबको भूलकर एक अलग ही रास्ते पर चल जाते हैं। हो सके तो दोस्तों इस उम्र में इस प्यार के चक्कर से बचें, क्योंकि यार यही वो लाइफ है जहाँ पे हम अपने जीवन को या तो बना लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये सब तो हम दोस्तों बाद में भी कर सकते हैं। अपने टारगेट, अपने गोल्स को पूरा कीजिए और उसके बाद ही प्यार का सपना भी पूरा कीजिए, क्योंकि इस चक्कर में जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। चौथा जो कारण है वो है, कोई भी फैसला बहुत जल्दी में ना लीजिए। इस उम्र पे आके बहुत सोच समझ के अपने कैरियर का सही चुनाव कीजिए, चाहे वो जॉब का मामला हो, चाहे वो स्टडी का मामला हो, या किसी बिजनेस का मामला हो। सही करियर का चुनाव कीजिए, सही दोस्तों की संगति लीजिए और नसीब पति की आदतों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अगला जो कारण है वो है दोस्तों पोर्न देखने की लत। इस उम्र पे आके हमें एक बहुत ही अजीब सी गंदी आदत लग जाती है, पोर्न देखने की लत। हो सकता है इस समय दोस्तों आपको खुशी मिलती हो और आत्मसंतुष्टि भी मिलती हो, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये आदत आपकी लाइफ का आगे जाके बहुत बड़ा रोड़ा बन सकती है। कोई चिड़चिड़ापन, कोई डिप्रेशन, कोई शारीरिक कमजोरी का शिकार हो सकता है। तो हो सके दोस्तों इस आदत से ज्यादा दूर रहने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को एक अच्छे ट्रैक पे ले जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जय हिंद।